धांधली को लेकर एक बड़ी खबर है। एमआई सेंट्रल पार्क में फ्लैट की बिक्री पर रोक लग गई है। दलित की जमीन सामान्य वर्ग में लिखवाने का मामला है। सरोदनी नगर तहसील ने खरीद फरोख पर रोक लगाई है। कादिर अली ने दलित की जमीन धोखे से लिखवाई थी। दलित रंजीत की जमीन पर फर्जी खतौनी बनवा दी। अर्जुनगंज के सरसावा में कादिर का प्रोजेक्ट बन रहा है। एलडीए ने एमआई सेंट्रल पार्क का नक्शा गलत तरीके से पास किया। कादिर बिल्डर पर कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। एलडीए ने पार्क का नक्शा गलत तरीके से पास किया और कादिर बिल्डर पर कार्रवाई भी ये सरकार करने को तैयार नहीं। सेंट्रल पार्क में धांधली को लेकर खबर है। एमआई सेंट्रल पार्क में फ्लैट बिक्री पर रोक है। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, रोक लगा दी गई है फ्लैट की बिक्री पर। देखिए, जो एमआई सेंट्रल पार्क है, ये कादिर बिल्डर की रोज एक कहानी खुलती है, भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से जमीन हस्तांतरण। लेकिन इस सरकार के अधिकारी उन सब पर मिट्टी डालते चल रहे हैं। अब आज सरोजनी नगर तहसील ने जो दलित रंजीत की जमीन को सामान्य वर्ग में दिखाकर खारिज दाखिल कराया था, उस पर अपनी गलती मानी है। और इसमें एलडीए और कादिर बिल्डर का जो एमआई सेंट्रल पार्क है, इसकी खरीद पर रोक लगा दी है सरोजनी नगर तहसील ने। लेकिन कादिर बिल्डर भ्रष्टाचार के दम पर लगातार निर्माण करता जा रहा है। सरकार कादिर बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एमआई सेंट्रल पार्क की जो जमीन है, वो डीपी बुद्धि राजा, जो बीजेपी नेता के पुत्र हैं, उनकी जमीन पर गलत ढंग से एलडीए ने नक्शा पास करा लिया, एग्रीमेंट गलत ढंग से बनवा लिया। सारे साक्ष्य होने के बावजूद आज तक कादिर बिल्डर पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये समाचार पत्रों में और सब जगह लगातार ये बात आती है जी। अब ये जो एमआई सेंट्रल पार्क है, इसमें खरीद फरोख पर रोक लगा दी है तहसील प्रशासन ने, क्योंकि इसमें एक दलित की जमीन धोखे से लिखवाई गई है। अब वो जमीन को वापस खारिज करके वापस दलित के नाम खतौनी जानी है। तो तहसील ने अपनी गलती मानी है, लेकिन सरकार इस प्रोजेक्ट को धाराशाही नहीं कर रही है। कादिर बिल्डर पर शिकंजा नहीं कस रही है। कादिर बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। यानी अभी भी कादिर बिल्डर सारे लोगों के साथ धोखा किया है। बिल्कुल, राजा और रंजीत ये दो ही नाम नहीं है। तो लखनऊ से सरकार की नाक के नीचे इस तरह से घूमकर लोगों को लूट रहे हैं, लोगों की जमीने लूट रहे हैं, लेकिन सरकार अधिकारी उनको हर बार बचाने से लग जाते हैं। तो एक बार दुर्भाग्य है, इससे सरकार में लोग ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसमें जीरो टॉलरेंस है, उस सरकार में डीपी बुद्धि राजा सरकार भटक रहे हैं के लिए, और कादिर बिल्डर जैसा धनवान वो पैसे के दम पर सरकार के हर नियम कानून को धता बता रहा है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। आपके घर के